हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो चार धाम यात्रा को लेकर है। जैसा कि आप सब लोग को बताया गया था कि चार धाम यात्रा की अपडेट 28 जुलाई तक के आ जाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 28 जुलाई तक के हमारे पास चार धाम यात्रा को लेकर अपडेट आ जाएगी। दोस्तों, आज हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए चार धाम यात्रा पर फिर से 18 अगस्त तक के रोक लगा दी है। अब फिर से हमें 18 अगस्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। दोस्तों, हाईकोर्ट ने कहा है कि चार धाम यात्रा का मामला वो राज्य सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में है और वहाँ से कोई निर्णय नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है अब ये देखना होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने बार बार सुनवाई को आगे बढ़ा रखा है, जिससे यात्रा शुरू होने में देरी हो रही है और यात्रा कुछ ही महीने चलेगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दीपावली तक के कपाट बंद हो जाते हैं। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आता है और सुप्रीम कोर्ट चार धाम यात्रा को लेकर क्या फैसला करता है। चार धाम यात्रा पर 18 अगस्त तक के पूरी तरह से रोक लगा दी है। हाईकोर्ट बार बार कोरोना महामारी को लेकर रोक लगा रहा है, जिससे यात्रा की सुनवाई आगे बढ़ाई जा रही है। चार धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड में पर्यटन विभाग से जुड़े लोग व स्थानीय लोग सभी यही चाहते हैं कि चार धाम यात्रा जल्द से जल्द स्टार्ट हो। अब चार धाम यात्रा पर सुनवाई 18 अगस्त को होगी। अभी चार धाम यात्रा पर 18 अगस्त तक के रोक रहेगी। चार धाम यात्रा पर उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल रखी है। अब देखना ये होगा कि क्या 18 अगस्त से पहले सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेता है चार धाम यात्रा को लेकर। चार धाम यात्रा पिछले साल की तरह कहीं दो महीने के लिए ही सिमट कर ना रह जाए, क्योंकि पिछले साल भी चार धाम यात्रा लास्ट के महीने में ही चली थी। दोस्तों, जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी चार धाम यात्रा को लेकर आप लोग हमारे चैनल पर देख पाओगे। आप लोगों को कहना चाहूँगा, अगर आप लोग चार धाम यात्रा भविष्य में करना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ रहे, क्योंकि हम बेस्ट और कम रेट पर यात्रा कराते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।